Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of social work for BG second semester. And this guest paper has been framed by one of the expert in this very subject. Before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. हमारे question जो paper है उसका pattern ऐसे है कि आपके तीन sections होते हैं. Section A में आपके 8 questions आते हैं. कोई R नहीं होता है, कोई option नहीं होता है. Each question carries a marks of 1.5, तो हमारे 12 marks बनते हैं. अगर हम section second की बात करेंगे, 8 questions आते हैं, आपको 4 करने पड़ते हैं. हर किसी question में internal R होता है. Each question carries 7.5 marks. तो हो गए हमारे 4 questions के 30 marks. अगर हम section C की बात करेंगे, उसमें आपके 4 questions आते हैं. 4 में से आपको 2 ही करने होते हैं. So, हर कोई question में weightage होता है 16.5. तो बनते आपके 33 मार्क्स. सो हम देखेंगे हमारा पेपर है अंडरस्टैंडिंग इन सोशल वर्क प्रोफेशन. सो हमारा है सोशल वर्क, माइनर पेपर है ये सोशल वर्क सेकंड सेम के लिए. अंडरस्टैंडिंग सोशल वर्क प्रोफेशन, सोशल वर्क प्रोफेशन. वी हैव 3 यूनिट्स. Society and social work. Second one is basic concepts related to social work. And third one, philosophy of social work profession. हम first unit की बात करेंगे, that is society and social work. Society and social work. इसमें से महत्वपूर्ण question आपका बन जाएगा social work and social science. Social work, social sciences. इसमें छोटा भी क्वेश्चन बनता है, आपका लंबा क्वेश्चन भी बन जाएगा इसमें. सो डिफाइन सोशल वर्क, डिफाइन सोशल साइंस, छोटा भी बन सकता है, ऐसे लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें. सो आपको ख्याल रखना है, इस पे अच्छे तरीके से फोकस करना है, इसी में से बन जाएगा आपका क्वेश्चन. अगर हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सोशल वर्क. बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सोशल वर्क. इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन. फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन. एंड साथ में इसमें बन जाएगा आपका क्वेश्चन, सोशल वर्क नेचर एंड स्कोप. सोशल वर्क नेचर एंड स्कोप. तो दूसरा यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया. अगर हम तीसरे यूनिट की बात करेंगे, उसमें से देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा है. यूनिट थर्ड इज फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन. फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन तीसरा यूनिट. इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट वैल्यूज. वैल्यूज पे आपको ख्याल रखना, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. वैल्यूज दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा, दैट इज मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क. मेजर या मेन प्रिंसिपल्स. तीसरा कैरियर्स इन सोशल वर्क. कैरियर्स इन सोशल वर्क. So this was all about the guest paper of social work for BG second semester. Hopefully you will get maximum marks from this very guest. Thank you for your cooperation.